वेलकम फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस जो भी डिस्कस की उसके अंदर काफी कुछ चीजें देखी। उसमें हमने देखा कि ये जो इनकम टैक्स है वो बेसिकली लगता क्यों है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इससे रिलेटेड एक्ट और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोगों को समझनी है, सीखनी है, उसके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया। हमने देखा कि कौन सी ईयर की इनकम के अंदर टैक्स लगता है और कौन सी ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। साथ के साथ हमने देखा कि यार एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट क्या है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा और भी कई बातें हमने देखी। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है वो क्या और किस तरह से अराइज होती है। सबसे पहले हम लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल है उसको पांच हेड्स में डिवाइड कर पांच हेड्स जिसकी कैलकुलेशन या जिसके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी एक ऐसा हेड है जो सेक्शन नंबर 14-17 रन करता है। 14-17 जो सेक्शन है वो हम लोग पहले भी इस बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि कौन से सेक्शंस किस चीज को गवर्न करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी आता है सेक्शन 14-17 के अंदर, और जहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर ये अराइज फॉर होगा उसके तहत कोई भी पेमेंट बनेगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मस्ट। सेकेंड, जिसको हम अब डिटेल में स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो ये कौन से सेक्शन में गवर्न होता है, ये सेक्शन नंबर 22-27 में गवर्न होता है। सेक्शन नंबर 22-27 के अंदर गवर्न होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी उसके लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। तीन कंडीशन, तीनों की तीनों फुलफिल होगी तो जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और सबसे पहली कंडीशन उसके अंदर क्या है, उसमें है कि देयर मस्ट बी सम हाउस। सबसे पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी सम हाउस और लैंड अक्विटनेंट टू सच बिल्डिंग। कहने का मतलब ये कि देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग एज वेल एज देयर मस्ट देयर मे बी सम लैंड अक्विटनेंट टू सच बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से लिंक्ड अप करते हुए कोई लैंड होना चाहिए। यानी अगर पूरे लैंड की बात करें, ओपन लैंड की बात करें, तो वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल फॉर नहीं करेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेनेंट टू सच बिल्डिंग। क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसे माने, चार दीवार खड़ी करने को बिल्डिंग नहीं कहेंगे, जब तक उस पर छत ना हो तब तक उसको बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो क्या डोर्स एंड विंडोज आर नेसेसरी? नो, डोर्स एंड विंडोज आर नॉट नेसेसरी, बट हाँ रूफ That is utmost necessary. Second, इसी के अंदर income from house property के अंदर taxability के लिए building हो गई, land appurtenant to such building हो गई, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं second case की, there must be the SAC, जिसके बारे में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उस building का owner होना चाहिए। अगर ownership नहीं, मेरे पास एक मकान है, मैंने किसी को किराए पे दिया, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को किराए पे दिया मैंने मकान, मिस्टर एक्स ने ये मिस्टर वाई को किराए पे दिया, क्या मिस्टर एक्स ओनर थे? नहीं, उन्होंने क्या की, सबलेटिंग की। उन्होंने क्या किया, एक्स ने अपना मकान नहीं है वो मुझसे किराए पे लिया और वो किसी और को किराए पे दिया। चूंकि वो ओनर नहीं है तो ये जो इनकम उनको अराइज फॉर होगी, जो रेंट उनको मिलेगा मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स को, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं। तीसरी कंडीशन, पहली हम लोगों ने देखी कि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट सच बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरी हमने देखी एसएससी मस्ट बी द ओनर, और तीसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन में वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग एसएससी के, रिमेंबर माई वर्ड्स, एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज नहीं आनी चाहिए। एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं आनी चाहिए, उसके खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज आती है तो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग बिजनेस और प्रोफेशन हाइट के अंदर चली जाएगी, वहां डेप्रिशिएशन की बातें होगी। लेकिन अगर बात करें बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है। नाउ द पॉइंट इज, बिल्डिंग अगर एसएससी के बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं आए
टीनेंट जिसको किराए पे दिया उसने अपनी दुकान डाल दी, उसने अपनी फैक्ट्री डाल दी, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी, उस बिल्डिंग के हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी अराइज फॉर होगी, क्योंकि ओनर ने स्टार्ट नहीं किया बिल्डिंग के अंदर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। स्टार्ट किसने किया? उस टीनेंट जिसको लेट से हम बात करते हैं मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ हाउस और उस हाउस के अंदर मिस्टर वाई को उन्होंने किराए पे दिया और मिस्टर वाई ने वहां पे गोडाउन डाल दिया उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, कोई पापड़ उद्योग चालू कर दिया। लेकिन अगर बात करें मिस्टर एक्स की, उनको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। और अगर उनको रेंट मिलता है तो वो रेंट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बाकी की जो एक्सेप्शनल वाली हम लोगों ने बातें किया है या जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, वो कहां जाएगा थोड़ी सी देर में हम जानेंगे। अभी तक हमने देखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या चीजें टैक्सेबल होती है। और अगर हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बाद, तो हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा हेड टैक्सेबिलिटी के लिए अराइज फॉर होता है? द थर्ड हेड एंड बिग वन इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन दोनों ही चीज इसके अंदर समाहित है। यानी अगर मैं बात करता हूं एक छोटी सी किराने की दुकान की, क्या वो इसमें टैक्सेबल होगी? हाँ। मैं बात करता हूं एक बड़ी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री की, क्या वो इसमें टैक्सेबल? मार्बल फैक्ट्री, यस। टेक्सटाइल फैक्ट्री, यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस। सबके सब बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। बात करें अगर प्रोफेशन की, तो क्या डॉक्टर का प्रोफेशन इस हेड में टैक्सेबल है? बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट का? बिल्कुल। किसी भी तरह का प्रोफेशन इस हेड में टैक्सेबल होगा। और बिजनेस भी, कौन से सेक्शन इसको गवर्न करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट हो जाती है बिजनेस हेड की कहानी। और सेक्शन नंबर 28 से लेकर के ये सेक्शन नंबर 44 तक फैला हुआ है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड PGPP, जिसके हम बात समझेंगे इन डिटेल। तीसरे हेड के बाद हमारे पास में चौथा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, बड़ा आस्पेक्ट लेके चलता है, दैट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो हमारे सामने सेक्शन नंबर 45 से लेकर के 55A तक फैला हुआ है। बेटर टू से ये जो सारे सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शंस के अंदर भी सब सेक्शंस अराइज फॉर होते हैं। और अगर मैं बात कर रहा था कैपिटल गेन्स की, तो सेक्शन 45 से 55A तक फैला हुआ है। और इसमें हम लोगों को एक चीज समझाई गई है कि देयर मस्ट बी सम कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट का कंसेप्ट है, वो कैपिटल एसेट का कंसेप्ट कैपिटल गेन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कैपिटल एसेट होगी और साथ के साथ उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा। अगर ये दोनों बटन साथ में नहीं जबेंगे, ये चालू नहीं होंगे कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, तब तक कैपिटल गेन अराइज फॉर नहीं होगा। दोनों चीजें हमें समझनी है कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, और हमें देखना है कि कैपिटल एसेट और उसका ट्रांसफर कैसे होगा और क्या लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, वो सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में बता रखे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले हमारे सामने था इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से कोई भी अमाउंट अराइज फॉर होती है उस रिलेशनशिप की वजह से, तो वो हेड बन जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर हम बात करें किसी घर को किराए के ऊपर दिया और उसके तीनों क्राइटेरिया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर उसके बाद में हम बात करें कोई भी तरह का बिजनेस हम कैरी ऑन करते हैं या हम कोई प्रोफेशन रन कर रहे हैं, तो वो PGPP हेड के अंदर। किसी भी तरह का कैपिटल गेन अराइज फॉर होता है, कोई एसेट हम लोगों ने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी, तो कैपिटल गेन के अंदर। और अगर इन चारों हेड में वो इनकम अराइज नहीं हो रही है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो चारों हेड की इनकम जो अलग अलग हेड में टैक्सेबल है वो वहीं हो जाएगी। और उसके बाद जो भी इनकम बचेगी, लेट्स से डिविडेंड हो गया, लेट्स से इंटरेस्ट हो गया, इवन द एग्रीकल्चर इनकम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ आवर लेक्चर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल रहेगा। नाउ द पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए, हाँ, सेक्शन 56 तो बात करता ही करता है, 56-57 भी बात करेगा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब कुछ हेड है उसकी इनकम
वहां टैक्सेबल हो जाएगी और बाकी की इनकम सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी। एक और चीज आपने रोचक तथ्य एक बड़ी और बढ़िया बात आपने नोटिस की होगी कि हमने 14 टू 17 सैलरी हेड के बारे में बात की, हमने बात करी 22 से 27 की, हमने बात करी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 28 से लेकर के 44 की, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की सेक्शन नंबर 45 से लेकर के 55 तक, कैपिटल गेन वाले हेड के 56 57 की हम लोगों ने चर्चा करी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर 18 टू 21? देयर वाज अ टाइम जब 6 हेड हुआ करते थे, 5 नहीं 6 हेड हुआ करते थे, और उस टाइम के अंदर एक अलग हेड हुआ करता था इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, जो गवर्न करता था किसको, सेक्शन या गवर्न होता था किससे, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी हेड, जो गवर्न होता था सेक्शन नंबर 18 टू 21 से, और ये इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी हट गया और अब ये किसमें आ चुका है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिविडेंड इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज आल्सो बीइंग टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर बाय चैप्टर, 2 बड़े हेड है नो डाउट इनकम फ्रॉम सैलरी एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिटेल में समझेंगे उसके अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन एक एक सेक्शन को हम समझेंगे और आप नोटिस करेंगे कि ये सारे सेक्शन जो उन 2 हेड के अंदर समाहित है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर या सैलरी हेड के अंदर, वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रैक्टिकल में आदमी 2 ही चीज करेगा, या तो बिजनेस करेगा या वो जॉब करेगा, इसलिए उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले इजी और बेटर टू से बहुत इजी हम लोग हेड को स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।